सब्सक्राइब के लाल वाले बटन को दबा के बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पाइए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रियलमी 2 प्रो मचा रहा धमाल मार्केट में, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वो स्पेसिफिकेशन लेकर आए हैं, बहुत कमाल का स्मार्टफोन है। अब आ गया हॉनर 8X, जो कि हॉनर 7X का सक्सेसर है, और ये भी स्मार्टफोन 15,000 में बहुत सारे तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों हॉनर 8X और रियलमी 2 प्रो को। ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने बजट रेंज के सबसे कमाल के स्मार्टफोन हैं, सेम बजट के हैं दोनों, बट कौन सा वाला बेटर है वो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और नहीं पसंद आया तो मुझे बताओ क्यों नहीं पसंद आया। दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन की स्टार्ट करते हैं उसके डिस्प्ले और डिजाइन से। डिस्प्ले डिजाइन दोनों स्मार्टफोन बहुत कमाल के देखते हैं। जहां Honor 8X ग्लास बॉडी के साथ आता है, वहीं पर Realme 2 Pro भी फाइबर ग्लास बॉडी के साथ आता है, यानी आपको डिफरेंसेस पता नहीं चलेंगे। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, वो ग्लास का है। बैक साइड पे दोनों में ड्यूल कैमरा सेटअप है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, नीचे ब्रांडिंग है। अगर डिस्प्ले की बात करोगे तो दोनों फुल HD प्लस के डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों में नॉच है, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है Realme 2 Pro में, और इसमें नॉर्मल नॉच है। Honor 8X जो है दोस्तों बड़ी साइज के साथ आता है, 6.5 इंच का उसका डिस्प्ले है और 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो। Realme 2 Pro जो है 6.3 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, छोटा सा नॉच। और पिक्सल पर इंच की बात कर ले तो Realme 2 Pro में 409 पिक्सल्स हैं, वहीं Honor 8X में 396 पिक्सल्स हैं, जो कि थोड़े से कम है। Realme 2 Pro Gorilla Glass 3 के प्रोडक्शन के साथ आता है। Honor 8X आता है या नहीं आता है, कोई स्पेसिफिकेशन अभी ऐसा इसका मिला नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल की बात कर लें, तो डिस्प्ले और डिजाइन की बात कर लें, तो मुझे Realme 2 Pro थोड़ा सा एज में लगता है। आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला पसंद हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो Realme 2 Pro में Snapdragon 660 है, जो कि 8 कोर्स के साथ आता है, ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके 4 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं, बाकी 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं। इसमें थोड़ा अंडरक्लॉक किया गया, 4 कोर्स 2.2 गीगाहर्ट्ज़ वाले, वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे किए गए हीटिंग से बचाने के लिए। इसके साथ साथ इसमें एड्रिनो का 512 का GPU है, जो कि गेमिंग के लिए अपर मिड रेंज के स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट माना जाता है अभी तक के लिए। उसके बाद अगर आप Honor 8X में आओगे तो उसमें Kirin 710 का प्रोसेसर है, जो कि नया है, प्लस 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे है, यानी CPU में ये Snapdragon 660 से ज़्यादा बेटर है। ये भी ऑक्टा कोर है, जिसमें 4 कोर 2.2 GHz पे, बाकी 4 कोर 1.7 GHz पे। इसमें अंडरक्लॉक नहीं किया गया है, तो ज़्यादा पावरफुल है CPU में। लेकिन इसमें अगर GPU की बात करोगे गेमिंग ग्राफिक्स के लिए, तो इसमें मान लीजिए 51 का GPU है, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाता, और Adreno 512 ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसमें GPU टर्बो यूज़ हुआ है, बट वो टेस्टेड नहीं है। अगर Honor की मानो तो ये 60% फास्टर होता है परफॉर्मेंस में, और 30% बैटरी एफिशिएंट है, मतलब बैटरी भी कम खाएगा और ज़्यादा है, बट अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है। इसके पहले अगर आप देखो Nova 3i में यूज़ हुआ था, बट उसका गेमिंग मुझे उतना खास नहीं लगा। मतलब इसको अगर बड़े फोन्स में यूज़ करोगे फ्लैगशिप वाले, तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट अगर ये एक तरह के AI के तरह होता है, जितना महंगा फ़ोन रहेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, जितना सस्ता फ़ोन रहता है। तो 15,000 के फ़ोन में मैं उतना ज़्यादा इसको बैकअप नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में नहीं बता सकते। GPU जो माली G51 है, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता अगर आप देखोगे और कंपेयर करोगे Adreno 512 से। दोनों में Android Oreo 8.1 है। Realme 2 Pro जो है वो Oppo के ColorOS 5.2 के साथ आता है। Honor 8X जो है दोस्तों वो Huawei के EMUI 8.2 के साथ आता है, यानी अपने अपने हैं, तो उसमें कोई कुछ बता नहीं सकता। जो आपको पसंद हो दोनों में कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल की बात करें, तो अगर आप CPU की बात करोगे तो मुझे Honor 8X अच्छा लगा। GPU की बात करोगे तो मुझे Realme 2 Pro अच्छा लगा। गेमिंग ग्राफिक्स के लिए आप Realme 2 Pro ले लेना, और अगर परफॉर्मेंस ऐप ये सब चीज़ों के लिए चाहिए तो आप Honor 8X की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कैमरा की बात करें, तो दोनों के कैमरा ठीक ठाक हैं। Realme 2 Pro ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें Sony IMX398 का सेंसर यूज़ हुआ है, जो कि OnePlus 5T में यूज़ हुआ था। बहुत बार आप सुन चुके होंगे ये चीज़। हाँ, लेकिन उसके रियर कैमरा का परफॉर्मेंस अच्छा है, 16+2 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर F1.7 का है। प्राइमरी कैमरा जो है वो PDF का लेंस है, सेकेंडरी जो है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ हुआ है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है रियर कैमरा का। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा, जिसका अपर्चर F2.0 का है, AI सपोर्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज उतना अच्छा नहीं है। रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से आप 1080p वाले रिजोल्यूशन वाले वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हो। रियर साइड पे आपको ड्यूल LED टोन फ्लैश मिलता है, फ्रंट साइड पे कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद अगर Honor 8X में आओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 20+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसका 20 मेगापिक्सल जो है वो PDF का लेंस है, 2 मेगापिक्सल वाला जो है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ हुआ है, अपर्चर इसका F1.8 का है। इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, तो ये छोटी सी कमी है, 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें भी आपको बैक साइड पे ड्यूल कलर LED टोन फ्लैश मिलता है। फ्रंट साइड की बात करें तो ये Realme 2 Pro के सेम है, 16 मेगापिक्सल F2.0 का अपर्चर और 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पैनारोमा HD सारे वीडियो और फोटोग्राफी की जितनी भी चीज़ें सारे आपको मिल जाएंगे, AI का सपोर्ट मिलेगा,
और कुछ खास इसमें नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल पूछोगे तो कैमरा कंपैरिजन में मुझे Realme 2 Pro ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस मैंने देखे हैं। और Honor 8X अगर नॉर्मल भी रहता है अपने हिसाब से तो ठीक ही होगा, बट वो Realme 2 Pro के सामने नहीं आएगा दोस्तों। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट बैटरी, जिसकी ज़रूरत सबको होती है। दोनों में सेम ऑलमोस्ट बैटरी है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है। Realme 2 Pro में 3500 mAh की बैटरी है, Honor 8X में 3750 mAh, मतलब 2 से 2.5 घंटे का आपको डिफरेंसेस मिल जाएगा। दोनों में फास्ट सपोर्ट नहीं करता, जिससे मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, दोनों में देना चाहिए था। और नॉर्मल USB 2.0 के पोर्ट हैं, यानी डेटा ट्रांसफर भी आपको उतना खास नहीं मिलेगा। तो बैटरी परफॉर्मेंस ओवरऑल की अगर बात कर लें तो यहाँ पे Honor 8X थोड़ा सा अपर हैंड रखता है, क्योंकि उसमें 250 mAh ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Realme 2 Pro। लेकिन अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों, अभी Honor 8X मुझे टेस्ट करना बाकी है, लेकिन Realme 2 Pro की 3500 mAh की बैटरी भी अच्छी खासी चल जाती है, क्योंकि मेरे पास है और मैं यूज़ करता हूँ। इसका अनबॉक्सिंग मैंने डाला था, अगर आपने चेक नहीं किया तो ज़रूर जाके चेक कर लो। सेंसर्स दोनों में सारे मिल जाएंगे, मैं Honor से खुश हूँ, क्योंकि इस बार उन्होंने जायरोस्कोप दे दिया है। अगर आपको जायरोस्कोप ना पता हो तो सेंसर होता है जो कि 3D मोशंस को दिखाता है। अगर आप 360 वीडियोस देखते हो, रोलर कोस्टर वाले वीडियोस, या फिर गेम खेलते हो, तो उसमें 3D मोशंस जो होते हैं वो जायरोस्कोप से ही होते हैं। तो अगर ये सेंसर नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इसके पहले के फोन जो आए थे Honor 7X, Honor 9 Lite, इन सब फोन्स में जायरोस्कोप नहीं था, तो वो एक प्रॉब्लम था, जबकि इसमें दे दिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी काम किया। इसके पहले Realme 2 Pro में भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, जायरोस्कोप से लेके कंपास तक, एक्सेलेरोमीटर से लेके एम्बेड लाइट सेंसर तक। बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक सपोर्ट करता है दोनों में, तो दोनों अच्छे हैं फेस अनलॉक के साथ, और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सेंसर्स का कोई इशू इसमें नहीं है दोस्तों। सिम स्लॉट प्राइस और वेरिएंट की बात कर लें दोस्तों, तो सिम स्लॉट दोनों में डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है, जिसमें आप Realme 2 Pro में 256 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। Honor 8X में 400 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। Realme 2 Pro जो है दोनों 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है, जबकि Honor 8X सिर्फ एक में ही सपोर्ट करता है। वेरिएंट की बात कर लें तो इसमें 4GB 64GB 6GB 64GB और 8GB 128GB वाला वेरिएंट Realme 2 Pro में आता है। इसके बदले पहले दोनों वेरिएंट तो सेम है, लास्ट वाला जो है वो 6GB और 128GB Honor 8X में आता है। प्राइस की बात कर लें तो 4GB 64GB वाला जो Realme 2 Pro का है वो आता है 14,000 में, और Honor 8X का आता है वो 15,000 में। 6GB 64GB वाला Realme 2 Pro का आता है दोस्तों 16,000 में, और Honor 8X का आता है 17,000 में। इसके बाद दूसरे वेरिएंट अलग अलग हैं लास्ट वाले। Realme 2 Pro जो है उसका 8GB 128GB 18,000 में आता है, जबकि Honor 8X का 6GB 128GB जो है वो 19,000 में आता है। तो लास्ट वाला वेरिएंट में Realme 2 Pro की तरफ रहूँगा, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन की बात कर लें, अगर नहीं समझा आपको, तो एक अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए अच्छे डिस्प्ले लुक के साथ, और आपको 8GB रैम 18,000 के नीचे प्राइसिंग के साथ, तो आप किसके साथ जा सकते हो? Realme 2 Pro के साथ। और अगर आपको एक अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए अच्छे प्रोसेसर के साथ और ग्लास बॉडी के साथ, तो आप जा सकते हो दोस्तों Honor 8X के साथ। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें है नहीं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करो, और मुझे बताओ क्यों नहीं पसंद आया दोस्तों। और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो रेड इमेज, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।